गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में अच्छी स्थिति के बारे में समझेंगे। अच्छी स्थिति क्या होता है और इस स्थिति में हम तीव्रता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, हेडिंग है, आप लोग डाल लीजिएगा, वायु द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अच्छी स्थिति का मतलब जिस अक्ष में वायु द्विध्रुव रखा गया है ठीक उसी की दिशा में आपको वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, एक वायु द्विध्रुव ए भी रखा गया है, ठीक है, इसके बीच की लंबाई 2L है और बीच के मध्य बिंदु ओ से इधर L और इधर L, अंत बिंदु ओ से R मीटर की दूरी पर क्या रखा गया है, एक बिंदु P जिस पर आपको वायु क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर दोनों तीव्रताओं को जोड़ के देंगे। इस तरह से आपके बिंदु P पर क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर कुछ लिखा गया, उसको नोट कीजिए। लिखा गया, माना कि वायु द्विध्रुव ए बी, ठीक, माना कि वायु द्विध्रुव ए बी हो गया, किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। फिर उसके बाद लिखिए, द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है। ये जो द्विध्रुव है किससे बना है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के। अल्प दूरी देखिए दिया गया, जिनके बीच अल्प दूरी 2L मीटर है, यहाँ भी कितना मीटर है, 2L मीटर। देखिए L L जोड़ देंगे तो 2L मीटर हो जाएगा। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, यहाँ पर आपको AP और BP का मान निकालना है। तो इनसे देखिए, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिए। अब A से P, ए से पी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है आर है, और इस साइड की दूरी कितना है, यल है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगी, आर प्लस यल। फिर यदि बी से पी की दूरी पूछेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, अब इसमें से इधर वाले यल को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी पी का मान हो जाएगा, वही लिखा गया है आर माइनस यल, ठीक है। ए पी का मान आर प्लस यल और बी पी का मान आर माइनस यल, ये किससे हो जाएगा, चित्र से। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस क्यू आवेश लेना है, एक बार माइनस क्यू आवेश। तो देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता, E1 बराबर सूत्र है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपको दिशा दिया गया है बीपी दिशा, मतलब बी से पी की दिशा में आपका E1 लग रहा है। अब उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता, इसको जो है E2 माना गया है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए, ये माइनस क्यू आवेश के लिए दूरी कितना है, यहाँ पर आर प्लस एल है, इसलिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण जो है आर माइनस एल दूरी, इसलिए यहाँ पर जो है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखेंगे आप लोग, चूंकि E1 व E2 क्या है, एक ही रेखा के अनुदिश है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है, मतलब E1 इस साइड में है तो ठीक विपरीत दिशा में आपका E2 लग रहा है, इसलिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 और E2 के मान को दोनों को क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, आपकी परिणामी तीव्रता निकल जाएगी। देखिए, E बराबर E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस E2 का मान लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कॉमन मिला है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू कॉमन मिला है, इसको कॉमन ले लेंगे पहले,
कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका एक बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर चिन्ह क्या देंगे माइनस, यहाँ क्या बचेगा एक बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसी को हल करने की जरूरत है, तो सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब ठीक है, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं क्योंकि हल करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए इसी को लेके हल करना है, तो सबसे पहले इसको जो है हम एक बार ऊपर पुनः लिख दे रहे हैं कि E बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ब्रैकेट में एक बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस एक बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका जो है आप लॉसर ले लेंगे। देखिए लॉसा में क्या किया जाता है, जब दो भिन्न राशियां होती हैं तो उनका केवल गुणनफल कर लेंगे, तो यहाँ भी केवल गुणनफल करेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए r माइनस एल स्क्वायर से भाग करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ लिख लीजिएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इससे भाग कर लेंगे तो ये कटेगा मतलब ये बचेगा, एक से गुणा कर लेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर केवल बीजगणित का सूत्र लगाना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, माइनस चिन्ह देके लगाना है यहाँ पर, तो जो माइनस होगा वो क्या होगा प्लस हो जाएगा और जो प्लस होता है माइनस हो जाएगा। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो ठीक इसी आधार पर तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एल स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू आर एल। अब बटा में ध्यान देखिए ये जो है दोनों स्क्वायर के रूप में है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं आर माइनस एल आर प्लस एल और इस पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। देखिए जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा करेगा तो इसको ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइड में फार्मूला लिख देते हैं आपको, चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर, ई बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, आर स्क्वायर ये दोनों जो है माइनस प्लस कट जाएंगे, टू आर एल चार आर एल हो गया, अपन इसको देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से दो को बाहर निकाल लेंगे, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, दो को बाहर निकालते हैं देखिए क्या हो जाएगा, अब जो है यहाँ पर टू आर एल क्यू अंदर ले जाए, इसको लिख लीजिएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक जानने की जरूरत है कि आर का मान जो है आपका एल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, तो एल स्क्वायर को यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ लीजिए चूंकि आर स्क्वायर ग्रेटर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, अतः एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ आप एल स्क्वायर को नगण्य मान लीजिएगा, इस तरह से आपका E बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू ब्रैकेट में टू आर
एल क्यू अपन, देखिए आर ए, यहाँ पर एल स्क्वायर को नगण्य मान, मतलब एल स्क्वायर को आपको हटा देना है, ठीक है। तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो जाएगा। जब घात के ऊपर घात होता है तो बताया गया है घात में क्या होता है, गुणा। तो इसका मान हो जाएगा आर के पावर चार, ई बराबर हो गया एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू, ब्रैकेट देखिए एक आर से एक आर कटा लेंगे तो टू एल क्यू अपान आर क्यू बचेगा। अब यहाँ एक फार्मूला लगाना है, देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, चूँकि 2LQ बराबर क्या है आपका P, P मतलब वायु द्विध्रुव का आघूर्ण, आपको वायु द्विध्रुव के आघूर्ण में परिभाषा में बताया गया है किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वायु द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अतः आपका E का मान हो जाएगा एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2 और 2LQ के स्थान पर P अपान आर क्यू, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा निर्वात या वायु के लिए, यदि निर्वात या वायु हो तो, कोई माध्यम नहीं है तब के लिए, निर्वात या वायु के लिए जो है आपका के का मान एक हो जाता है, तो के के स्थान पर एक रख लेंगे तो इस तरह से आपका ई बराबर निकल के आ गया एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दो से गुणा कर लेंगे तो टू पी अपान आर क्यू, यही क्या हो गया अच्छी स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया, ठीक है इसको नोट कर लेंगे। अब जो है हम लोग वायु द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है अच्छी स्थिति में तीव्रता निकाले थे, अब जो है निरक्ष स्थिति में। अब देखिए निरक्ष मतलब ए बी के लंबवत आपको मान निकालना है। यहाँ पर देखिए ए बी वायु द्विध्रुव हो गया, इसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर ऊपर की तरफ, ठीक है। इससे पहले जो है अच्छी स्थिति कहते थे इसी के दिशा में लिया गया था, अब जो है लंबवत ऊपर की तरफ की दिशा में लेना है। तो यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर आपको क्या करनी है, वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप मान लीजिए कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश हो गए, इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों की दूरी चूंकि समान है और आवेश भी समान है, इसके चलते बिंदु पी पर क्या होगा यहाँ पर परिणामी तीव्रता, इसके चलते और इसके चलते दोनों का मान क्या है आपका समान है। देखिए एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखिए यहाँ अंडर रूट है तो इसलिए केवल रूट आपका हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे ई टू का मान, दोनों का मान समान है। अब यहाँ पर आपको ऐसे हल करेंगे तो जीरो हो जाएगा मान। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब लंबवत घटक और ऊर्ध्वगत दोनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब लंबवत घटक और समांतर घटक कौन कौन से होंगे। देखिए लंबवत घटक ए बी के E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, और क्षैतिज घटक या समांतर घटक जो है E1 cos थीटा E2 cos थीटा। देखिए E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों की दिशाएं क्या है यहाँ पर समान है, इसलिए इनको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और यहाँ पर चूंकि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा की दिशाएं विपरीत है, मतलब एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक जो है नीचे की तरफ, और दोनों का मान समान है, इसलिए क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, केवल यहीं पर आपको तीव्रता प्राप्त होगी। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको तो समझ गया ऐसे निकालना है, अब इसके बारे में पूरा लिखना है आपको। तो सबसे पहले जो फिगर बनाए हैं उसी के बारे में लिख लेंगे। माना कि एक वायु द्विध्रुव ए बी हो गया, वायु द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तितांक k है। ए बी के मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर, अब अच्छी नहीं निरक्षीय स्थिति का रहा है तो निरक्षीय रेखा पर ले लेंगे, रेखा पर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ आपका AP और BP दोनों का मान समान है,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ये आर एल, तो कर्ण का मान हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेंगे, और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वायुद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वन बराबर हो जाएगा एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चूंकि अंडर रूट है, होल स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ से हट गया है। ठीक उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वायुद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टू बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दूरी वही है। ठीक है, अब इसके बाद इसके वियोजित घटक लेंगे। तो चूंकि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा, अतः AB के लंबवत घटक, देखिए AB के लंबवत घटक क्या लेंगे, देखिए लंबवत घटक को जो है साइन से दर्शाते हैं, और क्षैतिज घटक कहेगा तो कास से, तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा हो जाएंगे, परस्पर निरस्त हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं। ठीक है, जबकि AB के समांतर घटक, AB के क्या है समांतर घटक, E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर वायुद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी आपकी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पर चूंकि E1 का मान जो है E2 के बराबर है, ऊपर दिखाया गया है E1 E2 के मान दोनों समान है, इसलिए वायुद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2 E1 cos थीटा हो जाएगी। सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे ध्यान से, इसके बाद इसमें जो मान रखेंगे और उसको हल करके देखेंगे कितना मान आता है। अब जो है ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान देखिए क्या होता है आपका E बराबर, देखिए 2 E1, E1 का मान कितना था आपको, तो एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू कास थीटा। ठीक है, अब यहाँ कास थीटा का मान भी निकालना है, तो 2 Q बटा में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के एक बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसे। और देखिए कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार का मान क्या है आपका, यल है, आधार का मान क्या है आपका यल है, और कर्ण का मान क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ भी लिख लेंगे L बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चूंकि cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मान रख लिए। अब देखिए क्या बन जाता है, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए टू एल क्यू ऊपर लिख लीजिएगा, अब बटा में देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पर कितना पावर है, कुछ नहीं है, तो एक पावर तो हमेशा मिलता है आपका, ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब होता है एक बटा दो घात, तो एक में एक बटा दो जोड़ लेंगे तो तीन बटा दो हो जाएगा आपका,
कितना हो जाएगा पावर 3/2। देखिए इस पर एक घात है और इस पर 1/2 है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो गुणा करेंगे तो घात जो है जोड़ते हैं, इसलिए आपका मान हो जाएगा 3/2, एक में 1/2 को जोड़ेंगे तो। अब देखिए 2L³, या इसको चेंज कर लीजिए, चूंकि R² > L² मतलब आपका जो है R² का मान है L² के अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, अतः L² को आप नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको नगण्य मान लेंगे तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के 2L³ / R² / 3/2, मतलब L² को हटा देना है आपको नगण्य मान रहे तो। इस तरह से E बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, देखिए 2L³ हो गया, तो 2L³ का मान किसके बराबर होता है आपका, P के बराबर है, वायु द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर, तो 2L³ = P, तो 2L³ के स्थान पर P रख दीजिएगा। देखिए R² / 3 है, मतलब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर में क्या होता है गुणा, तो R² कितना हो जाएगा 2 × 3/2, हल करेंगे तो 3 हो जाएगा, कितना होगा 3। देखिए 2 × 3/2 2 से 2 कट जाएगा तो 3 ही बचा, तो R³ हो गया। इसके बाद लिख लीजिएगा निर्वात या वायु के लिए, वायु के लिए K = 1 रखने पर, K के स्थान पर 1 रख लीजिएगा, ये नीचे वाला मिटा देंगे। और देखिए E बराबर हो गया आपका 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट P/RQ, P/ क्या रहेगा RQ, यही आपका व्यंजक निकल के आ गया। देखिए इससे पहले आप लोग अच्छी स्थिति में निकाले थे तो उसमें जो है 2P/RQ आया था, इसमें जो है EP/RQ है, मतलब अच्छी स्थिति में आपकी तीव्रता का मान ज़्यादा आया है, कितना है ज़्यादा तो 2 गुना है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब आप लोग जो है एक समान वायु वायुद्युत क्षेत्र में रखे वायु द्विध्रुव पर बल युग के आघूर्ण के बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है माना कि एक वायु द्विध्रुव AB, ठीक है, माना कि एक वायु द्विध्रुव AB हो गया, एक समान वायु क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। देखिए यहाँ पर जो है बीच का कोण कितना है, वायु क्षेत्र से वायु द्विध्रुव का कोण जो है आपका थीटा है। ठीक है, उसके बाद देखिए माना कि वायु द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू, आवेश जो है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, इसको हो गया, तथा एक दूसरे से कितने दूरी पर है 2L दूरी पर, इतना तो कर सकते हैं, पीछे भी किए हैं आप लोग। वायु क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू पर एक बल यह बराबर QE, ये जानते हैं वायु क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा के अनुसार यह बराबर QE। ठीक है, उसके वायु क्षेत्र की दिशा में उतना ही बल माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत दिशा में लगता है। यहाँ देखिए एक जो है यह बराबर QE इस दिशा में लग रहा है, और ठीक उसी प्रकार एक विपरीत दिशा में भी बल लग रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में लगता है। उसके बाद चूंकि ये दोनों बल F / F एक दूसरे के बराबर विपरीत दिशा में तथा समांतर है, ठीक है, ये क्या है एक दूसरे के बराबर है तथा विपरीत दिशा में है और साथ में क्या है समांतर है, अतः ये क्या करेंगे एक बल युग्म बनाते हैं, मतलब युग्म क्या है एक तरह का जोड़ा है, यहाँ पर भी एक दो बल हैं, एक इस दिशा में एक इस दिशा में।
ठीक है, ये जो है कोशिश करेंगे इसको जो है वायु क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक बनाते, जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं या करता है। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण एक तो इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक बल युग्म लगता है और जिसके कारण प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो गया, जिसे हम क्या करेंगे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और टाउ का मान क्या होगा, टाउ का मान हो जाएगा एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा की बीच की लंबवत दूरी, मतलब दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ देखिए 2L है, बीच के कोण थीटा है, तो यहाँ का लंबवत घटक जो है आपका हो जाएगा 2L sin थीटा, वही लिखा गया। टाउ बराबर एक बल F ले लिया गया है गुणे 2L sin थीटा, F का मान जो है QE, ठीक है, F बराबर क्या है आपका QE गुणे 2L sin थीटा। यहाँ पर 2QL को एक साथ कर लेंगे और E को साइन थीटा को इधर। अब देखिए 2QL ये जो है P के बराबर होता है, मतलब वायु द्विध्रुव का आघूर्ण, अतः टाउ बराबर जो है PE sin थीटा। टाउ मतलब क्या है आघूर्ण हो गया, P मतलब क्या हो गया वायु द्विध्रुव आघूर्ण, E वायु क्षेत्र, और साइन थीटा जो है बीच का कोण को दर्शाएगा। इस तरह से आप लोग प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग के इस चैप्टर के सभी व्यंजक और कुछ परिभाषाएं थे जो हल हो गए।